हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने जीमेल अकाउंट की सभी ईमेल्स जो हमने रीड कर ली हैं उन सभी को एक बार में कैसे डिलीट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास में जीमेल अकाउंट है और आपके पास में इतनी ईमेल्स हो गई हैं जो काफ़ी संख्या में हैं और आप उनको रीड कर चुके हैं और आप सभी रीड हुई सभी ईमेल्स को एक बार में डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए, अभी यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास में एक छोटा सा अकाउंट है जिसमें बहुत ही कम ईमेल्स हैं ना। लेकिन अगर आपके पास में एक ऐसा अकाउंट है जिसमें काफ़ी संख्या में ईमेल्स हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास में एक ये अकाउंट है मेरा, इसमें आप देखेंगे 7,941 ईमेल्स ऐसी हैं जो मैंने अभी तक रीड भी नहीं की हैं। और मेरे अकाउंट में देखिए कितनी ईमेल्स हैं, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए 9,287, ठीक है, ये इतनी ईमेल्स मेरे अकाउंट पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास में भी ऐसा ही अकाउंट है और जितनी भी आपने ईमेल्स रीड कर ली हैं उन सभी को आप एक बार में डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, वो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं इस अकाउंट के ऊपर आपको यहां पे करके नहीं दिखाऊंगा बल्कि यहाँ इस अकाउंट के ऊपर मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये वाला अकाउंट आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं सभी इन ईमेल्स को डिलीट करना चाहता हूँ जो मैंने रीड कर ली है। इसके लिए देखिए मैं एक्शन यहाँ पर करके दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है इन, उसके बाद कोलन लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है रीड। जैसे आप ये लिखेंगे एंटर करेंगे तो एक फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा जिससे आपकी सभी वे हैं ईमेल्स जो आपने रीड कर ली हैं वो यहाँ पे सब फिल्टर हो जाएंगी। एक बार आपको ये भी देख लेना है कि आपकी कोई काम की मेल ना हो, ठीक है, आपको जो भी रीड की हुई मेल्स डिलीट करनी है उनमें से कोई ना हुई आपके काम की भी हो सकती है, उसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इस तरह करने से आपके अकाउंट की सभी ईमेल्स फिल्टर हो जाती हैं जो आपने रीड कर रखी हैं। अब देखिए मेरे अकाउंट पर काफ़ी ईमेल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज आ रहे हैं ना, मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज है, मतलब काफ़ी ऐसी ईमेल्स हैं मेरे अकाउंट पर जो मैंने रीड की हुई हैं। इनको सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके एक पेज पर जितनी भी ईमेल्स होंगी वो सब सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल 100 कन्वर्सेशंस ऑन दिस पेज आर सिलेक्टेड, मतलब इस पेज पर जितनी भी ईमेल्स हैं वो सब सिलेक्ट हो गई हैं। और देखिए अगर काफ़ी ईमेल्स हैं और आप यहाँ इस तरह से एक एक पेज को सिलेक्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा डिलीट करने में, तो उसके लिए देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट ऑल कन्वर्सेशन दैट मैच दिस सर्च, मतलब जो आपने सर्च किया है, जो फ़िल्टर आपने अप्लाई किया है, इस फिल्टर के अंडर जितने भी रिजल्ट आते हैं वो सभी को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके अकाउंट पर जितनी भी रीड की हुई ईमेल्स होंगी वो सब सिलेक्ट हो जाएंगी और उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है और आपके अकाउंट की सभी रीड की हुई ईमेल्स डिलीट हो जाएंगी। ये देखिए मैं अभी इस अकाउंट की कोई भी ईमेल डिलीट नहीं करूंगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, 100 कन्वर्सेशन सिलेक्शन का, उसको आपको यहाँ लास्ट में क्लिक करना है, जो लिंक आता है लास्ट वाला, जिससे सभी जो ईमेल्स हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं। अभी देखिए इसके इस अकाउंट पर नहीं आएगा क्योंकि इसके एक पेज पर 50 ईमेल्स आती हैं और जो हमारे पास में अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ इस अकाउंट में केवल और केवल 7-8 ईमेल्स ही हैं, ज़्यादा ईमेल्स नहीं हैं, तो यहाँ पर वो ऑप्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, वो ऑप्शन तभी आएगा जब आपके अकाउंट पर काफ़ी ईमेल्स होंगे। ठीक है, आपको सभी को सिलेक्ट कर लेना है जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है। उसके बाद यहाँ डिलीट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सभी ईमेल्स डिलीट हो जाएंगी, वो सभी ईमेल्स जो आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं और आपने अभी रीड की हुई सभी ईमेल्स को ही फिल्टर किया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जीमेल अकाउंट से सभी रीड की हुई ईमेल्स को एक बार में डिलीट कर सकते हैं। देखिए ध्यान यही रखना है कि जब आप डिलीट कर रहे हो तो एक कोई इम्पोर्टेंट ईमेल्स भी हो सकती है जो आपने रीड की हुई हो, तो आप उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कैसे आप इजीली एक क्लिक में सभी रीड की हुई ईमेल्स को डिलीट कर सकते हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमारे चैनल पर ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।